जब देवांश दोबारा स्कूल पहुंचा तो उसे वहां एक छोटी लड़की मिली जो उस घायल लड़के की छोटी बहन थी। उस लड़की ने देवांश को बताया कि उस गांव में सिर्फ बच्चे रहते हैं और जो भी 18 साल से बड़ा हो जाता है उसे मार दिया जाता है। इसके बाद वो देवांश को उस जगह ले गई जहां बघीरा ने अंशिका को बांध रखा था। बघीरा और वो बच्चों की टोली पहले से ही उस लड़की के भाई को मार चुके थे और अब वो अंशिका को मारने की तैयारी कर रहे थे। कैसे बेरहम दरिंदे हो तुम लोग, एक बच्चे को जान से मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई ईमान धर्म है या नहीं तुम लोगों का? कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कभी? ईमान धर्म, तुझे पता है कि हम लोग इस मरे पड़े हुए लड़के से भी छोटे बच्चे हैं। कुछ पता नहीं है तुझे? तूने सोचा एक बार भी कि हम ऐसे क्यों हैं? मेरे माँ बाप के बारे में पूछा ना तूने? तो सुन, 10 साल पहले तक थे माँ बाप सबके इस गांव में, और उन बड़े लोग ने हमारे साथ क्या किया? जानवर से भी भद्दा रखा हम लोगों को। पढ़ना लिखना तो छोड़, 3 साल में घर से बाहर पत्थर तोड़ने भेज दिया। सिर्फ मैं नहीं, ये देख रही है ना टोली, इनमें से आधे से ज्यादा बच्चे लोग के साथ यही हुआ है। खुद की जबान इस्तेमाल करने के लिए झापड़, लात और गाली मिलती थी। मेरे माँ बाप ने ये सिखाया मेरे को कि मुंह खोला जवाब देने को तो मार पड़ेगी। इस टोली के एक एक बच्चे लोग का सपना चूर चूर कर दिया ये बड़े लोगों ने। किसी का स्कूल छुड़ाकर घर की सफाई पर लगा दिया, किसी को चाय की दुकान पर बैठा दिया, किसी को जूता पॉलिश करने बैठा दिया, और इतना सब करने के बाद भी बदले में पैसा मिला नहीं, खाना मिला नहीं, मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक मिला नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बच्चा हूँ ना, अपने लिए सोच नहीं सकूंगा। टोली में वो एक मोटे को देख रही है, उसके बाप ने तो उसकी बॉडी तक को नहीं छोड़ा। कैसा लगा सुनकर? बोल तो, तू जब पूछ रही है कि हमारे माँ बाप ने क्या सिखाया, बड़े लोग ने क्या सिखाया, तो ये सिखाया उन लोगों ने कि हमारी कोई आवाज या ताकत कुछ नहीं है, हमको बस उनके भरोसे जीना है। मोटू के बाप ने उसके साथ जो किया उसके बाद मेरा माथा सनक गया और सोच लिया मैंने कि ये नहीं चलेगा, किसी को तो जाना होगा। उस दिन आज से 10 साल पहले बच्चे लोग ने सारे बड़े लोग को एक जगह बुलाया और पूरी जगह में तेल डालकर आग लगा डाला। सबके सब एक साथ खत्म। अब कोई बच्चे लोग को नहीं सताएगा। और उस दिन ही बच्चे लोग ने सोच लिया कि अगर इस शांति वाले माहौल को वैसे का वैसा रखना है तो 18 साल से बड़े लोगों को मारना पड़ेगा, यानी कि सब पर नजर रखना है, और जब भी कोई बच्चा 18 से बड़ा हुआ तो उसे मार डालना है। ऐसे ही हमारा गांव बड़े लोग से बचा रह सकता है, और क्योंकि तू 18 से बड़ी है तुझे भी जाना होगा, समझी? अरे लगाओ रे इसको फांसी, बहुत बात हो गई, अब हटा इसे। मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज। जितनी बात सुननी थी सुन ली। मुझे मत मारो देव, देव आई एम सॉरी देव। अरे ची, ये क्या कर दिया, सब गंदा कर दिया। ची ची, हटाओ इसे कोई, क्यों की उल्टी तूने? आई एम प्रेग्नेंट। मतलब? मुझे बच्चा होने वाला है। क्या? अरे इसके गले से कोई फंदा हटाओ, इसके लिए चेयर लेकर आओ। ए छोटू, कुछ खाने का सामान ला एकदम तुरंत। क्या इन सब का क्या मतलब है? अरे तूने क्या खुश करने वाली बात बोली है, तू अपनी टोली का साइज बढ़ाने वाली है, तो अब तुझे नहीं मारेंगे जब तक तेरा ये बच्चा ना हो जाए। और उसके बाद?
मुझे बस तेरे इस बच्चे से मतलब है। जैसे ही तेरा ये बच्चा मेरे हाथ में, तेरा काम तमाम कर देंगे। तुम सब दरिंदे हो, वहशी हो तुम। चुपचाप रह, वरना अभी जो खाना दे रहे हैं वो भी छीन लेंगे। बघीरा और उसकी टोली से कुछ ही दूरी पर उस छोटी बच्ची के साथ छिपे देवांश ने जब सुना कि बघीरा अंशिका के होने वाले बच्चे को हासिल करने के बाद अंशिका को मार देना चाहता है, तो वो पागल सा हो गया। अब उसे एक नहीं, दो दो जाने बचानी थी, एक अंशिका की और दूसरी उसके पेट में पल रहे बच्चे की। पर वो कुछ सोच पाता कि तभी उस छोटी बच्ची की सिसकियों ने उसका ध्यान तोड़ दिया। अक्सा, अक्सा क्या हुआ? मेरा भाई वो मर गया। बेटा बेटा, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर हिम्मत रखो, प्लीज रो मत बेटा। मीना भैया अब मेरे साथ नहीं खेल पाएगा, वो और मैं आपस में लड़ भी नहीं पाएंगे। मेरा भैया ही मेरा सब कुछ था, अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? मैं समझता हूँ बेटा, अगर वो एक बार भी मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसे फिर कभी नहीं जकड़ूंगी, कभी नहीं। पर अब भैया मुझसे दूर चला गया, लड़ने के लिए भी वापस नहीं आ पाएगा, और एक साल में ये लोग मुझे भी मार देंगे। बेटा प्लीज ऐसे मत बोलो, चलो रोना बंद करो, मेरा विश्वास करो, हम मिलकर अंशिका और तुम्हें इस जगह से छुड़ा लेंगे। तुम्हें वो लोग नहीं मार पाएंगे, हम खेतों के बीच से निकल जाएंगे इस गांव से बहुत ही जल्द। नहीं, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। बघीरा ने हर जगह गांव के हर कोने में टोलियां बैठा रखी है, जो भी इस गांव से निकलने की कोशिश करेगा वो मरेगा ही। यानी जो भी 18 से बड़े लोग गांव के अंदर आए हैं वो बाहर नहीं जा पाए हैं, और आप भी तो 18 से बड़े हो ना, तो आपकी और आपकी पत्नी को भी मार देंगे वो लोग। ऐसा मत कहो बेटा, कोई तो रास्ता होगा, सोचने दो। अच्छा कोई भी दुकान खुली होगी या नहीं? वो सब 10 साल से बंद ही है, क्योंकि बड़े लोग हैं ही नहीं ना। या कोई कच्चा रास्ता हो या कोई गली? सब पर टोलियां टहलती रहती है हर समय, वहाँ तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। आते में कुछ तो देखा था, याद नहीं आ रहा। क्या देखा था आपने? अरे हाँ याद आ गया, एक नदी थी। अजीब चीज ये थी कि उसके आसपास कपड़े पड़े हुए थे, यानी वहाँ कोई तो रहता होगा। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? वहाँ तो कोई नहीं रहता जिसके। तो फिर कपड़े कैसे? वो तो बच्चे वहाँ नहाने जाते हैं नदी में, तो शायद इसलिए कपड़े पड़े होंगे। पर एक बात बताओ, तुम लोगों ने नदी से तैरकर भागने का नहीं सोचा? नदी के दूसरी तरफ तो गांव होगा, नहीं तो किसी ने तैर कर जाने की कोशिश क्यों नहीं की? पर हम लोग कैसे, हम बच्चों को तो तैरना आता ही नहीं, तो हम तैर कर जाते भी तो कैसे, हम तो बस नहाते हैं वहाँ। अच्छा, क्या आपको तैरना आता है? देखो तैरना तो बेटा मुझे भी नहीं आता, काश आज के दिन के लिए ही सीख लेता। अंशु कहती रहती थी चलो स्विमिंग क्लास, पर एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आइडिया हाँ बताता हूँ, पर उसके लिए पहले हमें कार के पास जाना होगा। वैसे मैं तो पूछना ही भूल गया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अक्सा। अक्सा यानी अक्स या आत्मा, राइट? अच्छा पता नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया ये अभी तक। हाँ अच्छा, माफ करना मैं भूल गया था कि हाँ तुम सिर्फ बच्चे रहते हो। अच्छा, जब हम उस दीवार के पीछे छुपे हुए थे तब आपकी पत्नी ने उल्टी की, इसका मतलब उनके पेट के अंदर छोटू सा बच्चा है ना? हाँ शायद। तो फिर आप तो खुश होंगे ना? मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अंशु ने मुझे बताया क्यों नहीं कि शी इज प्रेग्नेंट?
मेबी शी इज नॉट, शायद वहां से निकलने के लिए झूठ बोल रही हो, शायद प्रेग्नेंट थी और मुझे बताना चाहती थी, पर मेबी इसलिए वो मुझे बच्चे करने के लिए कन्विंस कर रही थी और मैंने उसे इम्प्रैक्टिकल कह दिया। नॉट जस्ट दैट, हर कदम पर उसकी हर बात को काटा, खुद ऐसी कंडीशन में मैंने मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर उसको कैसा लग रहा होगा, शायद इसलिए उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। ये क्या कर दिया मैंने, अपनी ही पत्नी, अपनी ही अंशु का मन नहीं समझ सका, मुझे क्या वो कभी माफ कर पाएगी। पहुंच गए हम, अब हम क्या करेंगे। पहले डिकी से स्क्रू ड्राइवर निकाल लेते हैं और फिर स्क्रू ड्राइवर से क्या करेंगे। स्क्रू ड्राइवर से ये करते हैं अक्सा कि हम इस गाड़ी के पहिए निकाल लेते हैं और फिर इसके अंदर की जो ट्यूब होगी उसको इस्तेमाल करके एक ट्यूब में तुम्हें ले जाएंगे, एक में अंशु यानी मेरी पत्नी को और एक में मैं। वो ट्यूब पानी में डूबेगा नहीं। यही तो आइडिया है, ट्यूब पानी में तैर जाएगा और हम लोग उस पर बैठ कर जाएंगे तो हमें खुद तैरना नहीं पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर हम गाड़ी से ट्यूब निकाल सकते हैं तो बच्चों की टोली भी तो यही करके हमारे पीछे आ सकती है नदी में। अच्छा अच्छा, अक्सा गांव में कोई गाड़ियां है इस जैसी। इतनी बड़ी गाड़ी तो हमारे यहाँ नहीं है, पर हाँ 2-3 स्कूटर होंगे। अच्छा, हम तो एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ नदी किनारे सारे पहियों के ट्यूब निकाल कर खड़ा रहूंगा और तुम जाकर के उन पहिये में से हवा निकाल दो। वो स्कूटर के पहिये से हवा कैसे निकालते हैं। हवा निकालना, अच्छा एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लुक हियर, ये देखो ये बांस है ना, इसका नुकीला हिस्सा ढूंढ लो और ठीक ऐसे पहिये में घुसाओ जैसे मैं इस एक्स्ट्रा पहिये में घुसा रहा हूँ। देखा देखा इसकी हवा कैसे निकल गई, क्योंकि इसके अंदर का टायर फुस हो गया। अच्छा समझ गई समझ गई, पर एक मिनट, आपकी पत्नी को यहाँ तक कैसे लाएंगे। बस वही थोड़ा नाजुक मामला है, पर मेरे पास उसका भी एक आइडिया है, थोड़ा मुश्किल है पर शायद काम कर जाए। भइयों की हवा निकालने के बाद तुम बिल्कुल बेहिचक वहां जाओ जहाँ बघीरा है, और इस बार उनसे छुपना मत। अरे पर फिर मैं किस बहाने से जाऊं। देखो अब क्योंकि उनको पता है कि अंशिका प्रेग्नेंट है, उन लोग उसको चोट नहीं पहुंचा सकते, है ना। हाँ वो तो है। तो बस तुम्हें बस इतना करना है कि अंशिका को नदी में नहाने के बहाने अपने साथ नदी तक लाना है, और क्योंकि तुम लड़की हो और उनके गांव की हो तो तुम पर शायद शक भी ना करें। मुझे पता है कि ये काम खतरे से खाली नहीं है और मैं तुम्हारी जान जोखिम में डाल रहा हूँ, पर मेरे भैया को हम लोग नहीं बचा पाए, पर अगर मेरा भैया होता तो वो भी आपकी बात को मानता और मैं पूरी कोशिश करूंगी उनको बचाने की। थैंक यू, वो जहां भी होगा तुम्हें मिस कर रहा होगा। मुझे अब निकलना चाहिए टायर में से हवा निकालने के लिए, और देर नहीं करनी चाहिए। एक मिनट अक्सा। हाँ। अपना ख्याल रखना ठीक है, तुमको यहाँ से जिंदा निकलना है। देवांश ने उस बच्ची से स्कूटर के टायर से हवा निकालने के लिए बोल तो दिया था, पर उसे यकीन नहीं था कि वो बच्ची अक्सा, जो खुद अपने भाई को खो देने के बाद इतनी दुखी है, ये काम कर भी सकेगी। जबकि वो बच्ची इस हाल में भी अपने पूरे होश हवास में थी। वो बघीरा और उसके साथियों की नजरों से बचते बचाते वहां पहुंच गई जहां वो स्कूटर हो सकता था। याद करो आखिरी बार कहां देखी थी वो टू व्हीलर्स। अरे वाह, मिल गई एक टू व्हीलर। जैसे अंकल ने बताया था वैसे ही इस बास से दोनों पहियों की हवा निकाल देती हूँ। लग रहा है काम हो गया, अब और टू व्हीलर्स ढूंढनी पड़ेगी। शायद एक स्कूल के आसपास हो, आखिरी बार उन्होंने भैया को वहीं से उठाया था, वहां हो सकती है। मैं सही थी, वो रही फाटक के पास दूसरी स्कूटर। मैं जल्दी से जाकर हवा निकाल देती हूँ,
इससे पहले कि वो वापस आ जाए। बस एक बचा है और वो मुझे पता है कहाँ है, टोली के अड्डे पर जहाँ अंशिका आंटी को उन लोगों ने रखा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, पहले स्कूटर से हवा निकाल देते हैं, फिर आंटी को बचाने अंदर जाते हैं। बस बगीरा उनको ले जाने दे। हाँ, ये रही स्कूटर, बस ये आखिरी है, इसे हवा देते हैं। डर लग रहा है कहीं बगीरा को पता चल गया कि आंटी को बचाने के लिए आए तो एक साल से पहले ही मेरी जान ले लेगा। पर अगर सबको बचाना है तो जाना ही पड़ेगा। अंकल भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे, जितना देर करेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। अक्सा ने आखिरी स्कूटर की हवा निकालकर बड़ी सफाई से अपना काम कर दिया। इसके बाद उसे अंशिका से मिलकर देवांश के पास पहुंचना था, पर जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी, अपनी पूरी टोली के साथ बघीरा उसके सामने था। अक्सा, तू क्या कर रही है इधर? वो मैंने सुना कि आपके टोली में नया मेहमान आया है। कहाँ है? ए, ज्यादा उछल मत मिलने को उससे, तुझे वैसे भी एक ही और साल है ना इधर। हाँ, फिर भी है कहाँ वो? नया मेहमान अभी पैदा नहीं हुआ है, ये औरत देख रही है, इसके पेट में है अभी, तो अभी इसका पूरा ख्याल रखना है हम सबको, समझी? ओ अच्छा अच्छा, आप कैसी हैं? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी वैश्य टोली में से किसी से बात करने की कोई इच्छा नहीं है, अकेला छोड़ दो मुझे। अच्छा बगीरा, मुझे लगता है ये इतनी देर से यहाँ बैठी है, इनको शायद मुंह हाथ पैर धोना होगा, शायद नहाना होगा, वरना गंदगी से कहीं बच्चे की तबीयत ना खराब हो जाए। बात तो तू ठीक कह रही है, और ये इतना इज्जत से क्या बात कर रही है इससे? हमें बस ये बच्चा चाहिए अपनी टोली के लिए, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। वो तो है, तो इन्हें इसे फिर मैं नदी तक ले जाऊं? मुझे तुम्हें से किसी के साथ कहीं नहीं जाना, समझे? ए, तुझसे कोई कुछ पूछ रहा है? क्यों खामखा बड़बड़ा रही है? तुम अपनी ऐसा कर, ले जाए इसे। पर सुन, अगर कोई चालाकी की कोशिश की तो तेरे भाई की तरह तेरा भी टिकट काट दूंगा ऊपर का, एक साल पहले ही। आई बात समझ में? मेरे रहते कोई बच्चा इस गांव से बाहर ना निकला है ना निकलेगा। हाँ हाँ, कोई चालाकी नहीं, बस इसको नहाने ले जाकर वापस ले आऊंगी, और कुछ नहीं। चलिए मेरे साथ, मेरा मतलब है चलो। ये लड़का जो मरा पड़ा है वो तुम्हारा भाई है? हाँ। वेट, ये उसकी बहन है, मतलब शायद ये इन लोगों के साथ ना हो, हो सकता है इसलिए मुझे अलग से ले जाने की बात कर रही है, मुझे चले जाना चाहिए इसके साथ। तेरे को क्या मतलब, वो उसका भाई है नहीं? चुपचाप जा अक्सा के साथ। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। एक मिनट, ये जल्दी का क्या मतलब है? नहीं, वो मेरा मतलब था कि टाइम से। मैंने बोला ना, चालाकी नहीं, ऐसा है मैं भी चल रहा हूँ साथ में, ताकि दोनों कोई चालाकी ना कर सको। अच्छा ठीक है चलो, पर तुम्हारे रहते यहाँ ना कैसे पाएगी? अरे मैं थोड़ा दूर खड़ा रहूंगा, पर चल तो मैं रहा हूँ साथ में, बात खत्म। तुम उसी की बहन हो जो हमारी गाड़ी के सामने आया था? हाँ आंटी, वो मेरा ही भाई है। I'm sorry, पर उसको बचाने के चक्कर में मैं और मेरे पति इस गांव में और तुम्हारे इस बघीरा के जंगल में फंस गए, ना हम रुकते ना हमारे साथ ये सब होता, तुम्हारे इस अजीबोगरीब गांव में रुकने के कारण ना मेरी जान पर बनाई है और अपने पति से भी दूर हो गई हूँ, पता नहीं इस समय वो कहाँ है, वो ठीक भी है कि नहीं। आंटी
आपकी बात ठीक है, पर इस समय ये सोचने का टाइम नहीं है। वो क्यों? मैं आपको वाकई नदी में नहलाने थोड़ी ले जा रही हूँ। क्या क्या मतलब? आपके पति ने आपको बचाने के लिए मुझे भेजा है। वो नदी के पास हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम तीनों के गांव से निकलने का इंतजाम हो गया है। अब बस हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। क्या देवांश ने तुम्हें भेजा है? पर तुम लोग कैसे मिले? गांव से भागने का क्या कोई तरीका है? और इन लोगों ने पीछा किया तो हम क्या करेंगे? आंटी, इन सब चीजों के लिए तरीका निकाल लिया है। आराम से बताते हैं, पहले हम नदी किनारे पहुँचे बस। ए, तुम लोग क्या खसर पसर कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस तबीयत का हालचाल ले रही थी। बहुत हो गई बातें, ये आ गई। मैं यहाँ 10 कदम दूर खड़ा हूँ, जाकर जल्दी ना करा। अरे तू कहाँ से आया? उस वक्त स्कूल के बाहर बहुत अकड़ दिखा रहा था ना तू, अब बताता हूँ तुझे। साला, अपने आप को नेता समझ रहा था, बेहोश हो गया ये। इससे पहले कि इसको होश आए, अंशिका उत्साह तुरंत ट्यूब पर बैठो और निकलना शुरू करो। पर तुम्हारी गाड़ी, उसका क्या? उसको बचाने का टाइम नहीं है। निकलो, निकलो, मैं भी आ रहा हूँ। ए, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अरे सुनो बच्चे लोग, ए जल्दी अपना स्कूटर लेके आओ और तुरंत पहिए निकालो। अरे बगीरा, ये तो स्कूटर के पहिए से हवा निकल गई है। बगीरा, अब तू मुझे नहीं मार सकता, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। अक्सा, मुझे पता है कि ये सब तूने किया है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जितना भाग ले तू, इस बार तो तुम सब लोग बच गए। अगर मुड़ कर कभी इस गांव में आए ना, तो मैं तुम सबका चौपाल करूंगा ना। इधर आओ, तुम देखो तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? सच सच बताओ। मैं ठीक हूँ देव। ये चोट कैसे आई तुम्हारे चेहरे पर? किसने किया? लंबी कहानी है। मैं जब स्कूल से बाहर आया तब उन बच्चों की टोली ने मुझ पर हमला कर दिया। किसी तरह जान छुड़ाकर भागा वहां से ताकि तुम्हें बचा सकूं। ये दिन भी कैसा था, विश्वास नहीं हो रहा अभी भी कि हम वहां से निकल आए। मुझे माफ कर दो अंशु, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी और हम सबकी जान खतरे में डाल दी। कोई बात नहीं देव, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमें अक्सा नहीं मिलती ना। बेटा, तुम अब हमारे साथ ही रहोगी। अंशिका ठीक कह रही है, तुम अब हमारे साथ ही रहोगी और कोई तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएगा। थैंक्स अंकल, थैंक्स आंटी, आप लोग नहीं होते तो मैं मारी जाती। अंशिका एक बात पूछू, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी? मैं नहीं चाहती थी कि तुम प्रेगनेंसी की बात सुनकर मजबूर हो जाओ, इसलिए मैं पहले तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी ताकि बच्चा होने के बाद तुम्हें वो मजबूरी ना लगे। और एक मैं था कि बेवकूफों की तरह लड़े जा रहा था तुमसे। यार मुझसे गलती हो गई अंशु। बेवकूफ हो ये तो पहले से पता था मुझे, पर अब क्या करें, अब तो बेवकूफ से ही प्यार हुआ है तो क्या कर सकते हैं।